करनाल में बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की बैठक थी। इस बैठक में सीएम नैब सिंह सैनी ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा कि मजबूती से कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर 10 साल से जो डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं, जो हमने लोगों के लाभ के लिए जो घोषणाएं की हैं और काम किए हैं, बड़े अंतर से विधानसभा और लोकसभा की सीटें जीती हैं, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, वो रोहतक में भी कमज़ोर है, कांग्रेस कोई भी सीट नहीं निकालेगी, बीजेपी 90 की 90 सीटों पर मजबूत है, लोग कमल के निशान पर वोट देने के लिए, मोदी जी को वोट देने के लिए आतुर है। करनाल से MS निर्मल की रिपोर्ट। कार्यकारिणी की विस्तारक बैठक थी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के मजबूती से कार्यकर्ता हर बूथ के ऊपर जो काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किए हैं और जो हमने और इस समय के अंदर लोगों के लाभ के लिए घोषणाएं की हैं, काम किए हैं, उन सब बातों को लेकर के कि हमारा संगठनात्मक चुस्त दुरुस्त जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ यहां से विधानसभा की सीट लोकसभा की सीट भी हमने जीती है और करनाल के लोगों ने जो एक मैसेज बड़ा दिया कि 2024 के जो अक्टूबर का ये चुनाव आएगा इसमें भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। कांग्रेस हर विधानसभा के ऊपर कमज़ोर है, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, कांग्रेस रोहतक के अंदर भी कमज़ोर है। विधानसभा के चुनाव के अंदर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई सीट निकाले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों के ऊपर आज बहुत मजबूत स्थिति के अंदर है और आज लोग 90 की 90 विधानसभाओं पर एक तरफा वोट वो कमल के फूल को नरेंद्र मोदी जी को देने के लिए आतुर है, मजबूत करने के लिए आतुर है। मोदी जी ने तीसरी बार शपथ लिया है और हरियाणा के अंदर हरियाणा के लोग मोदी जी को और मजबूत करते हुए हरियाणा में विकास की और गति को तेज करते हुए तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे। कांग्रेस हर विधानसभा पे कमज़ोर है, कहीं पर भी उसका साफ किताब नहीं बन गया। हुड्डा साहब कभी तो जिसको गाली देते हैं उसको जप्पी पानी शुरू कर देते हैं कि कुछ मेरा माहौल बन जाए, परंतु माहौल नहीं बनेगा अब विधानसभा में, क्योंकि कभी आम आदमी को जप्पी पाता है, कभी किसी को पाता है। हुड्डा साहब यहाँ बोल रहे थे करनाल में आकर के कि यहाँ से रास्ता चंडीगढ़ जाएगा और कांग्रेस का ना रास्ता दिल्ली गया ना चंडीगढ़ गया, दोनों रास्ते में कांग्रेस साफ होगी। और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े हैं, तीन डिजिट कांग्रेस क्रॉस नहीं कर पाई। 2014 में कांग्रेस दो डिजिट, 2019 कांग्रेस दो डिजिट, 2024 कांग्रेस दो डिजिट, तीन डिजिट का आंकड़ा कांग्रेस क्रॉस नहीं कर पाई। आने वाले विधानसभा के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ राज्यसभा में दिग्विजय को भेज दें जेजेपी को, और उधर से दुष्यंत चौटाला बोलते हैं कि हुड्डा बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। देखिए मैं तभी कह रहा हूं क्योंकि ये सभी आपस में मिलकर के एक मंच के ऊपर आ रहे हैं, अच्छा है, क्योंकि ये किसी भी विधानसभा सीट के ऊपर मजबूत नहीं है जहाँ ये कह सके कि हम अपने दम के ऊपर ये जीत रहे हैं, एक भी सीट नहीं बोल सकते। और इनेलो का गठबंधन होने जा रहा है, क्या क्या फर्क रहेगा हरियाणा के साथ? देखिए कोई फर्क रहने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ करनाल की विधानसभा के ऊपर ये सारे के सारे एक पल्ली के ऊपर बैठ गया है का
और वो देखे भी आप सब ने, पूरे प्रदेश ने देखे। हुड्डा साहब तो कहते थे कहाँ यहाँ से रास्ता चंडीगढ़ जाएगा। अभय चौटाला बोलता था कि सारे इकट्ठे एक पल्ली पर बैठ जो बैठ गए, फिर भी कुछ नहीं बनया। ये कहीं पर भी ना तो हुड्डा विश्वास के साथ कह सकता है कि ये मैं सीट जीतूंगा, खुद हुड्डा भी अपनी सीट हारेगा, ये मैं आज आपके बीच में कह रहा हूँ। पूर्व डिप्टी सीएम का बयान आया कि 90 दिनों में जो रह गए हैं उसमें जनसभाएं कर रहे हैं और भाजपा की पोल खोलने का काम करेंगे। पोल तो उन्होंने लोकसभा में भी खोली है, उनके पल्ले कुछ नहीं है, झूठ है उनके पल्ले। वो उस पवित्र संविधान की बुक उठा करके घूम रहे हैं। अरे कौन इनको पूछिए आप लोग, कौन इसको समाप्त कर सकता है, कौन संविधान के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। ये झूठ का सहारा ले रहे हैं, बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये पोल क्या खोल लेंगे, पोल तो इनकी खुलेगी। इनकी पोल खुलने वाली है कि ये लोग उस पवित्र संविधान का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी अपमानित करने का काम ये कांग्रेस कर रही है। मनोहर लाल के फैसले में आप अमेंडमेंट कर रहे हैं क्या, सब कुछ? नहीं नहीं, आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा को एक नई दिशा दी है, ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई है कि उन योजनाओं का लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा। हमने अधिकारियों को कहा है कि उसमें, क्योंकि कोई भी योजना बनती है, योजना के अंदर अगर कोई दिक्कत है तो उसको दुरुस्त करिए। ये दुरुस्त करने की जिम्मेवारी अधिकारियों की है और उससे लोगों को बड़ा एक लाभ मिल रहा है।